इक्वेशन वाला कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि अभी हम जो कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है टॉप टू बॉटम, और क्या होता है दूसरा, बॉटम टू टॉप। कल आई थिंक हमने पहला वाला कर लिया था। हाँ, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो मोशन की इक्वेशन हमें लिखनी होती है। तो ध्यान रखना, वर्टिकल मोशन ऊर्ध्वाधर जो गति होती है उसमें एक तो a का मान g हो जाता है, हाइट अपनी, डिस्टेंस अपना हाइट हो जाता है, तो ये सबसे बड़े अंतर होते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपको मैंने फर्स्ट केस करवाया था जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं, तो अब इसमें मैं आपको ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलीज की बात कर रहा हूँ, फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब हम किसी चीज़ को फ्री फॉल करवाते हैं तो यू का मान क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि ये इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर हमने यहाँ पर तीनों इसकी इक्वेशन लिखी थी, फटाफट बताओ, वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अच्छा, नीचे की तरफ जब भी जाते हैं तो ए हम लेते हैं प्लस का जी, ठीक है, जब अर्थ की तरफ जाएंगे तो हम जी को प्लस रखेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन में सब जगह प्लस आएगा। दूसरा, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, क्लियर है। और फोर्थ वाली इक्वेशन, एच एन इज इक्वल्स टू यू प्लस जी बाय टू टू एन माइनस वन। ओके, अब इसमें भी अगर मैं कंडीशन पुट कर दूं, कंडीशन क्या है, अगर यू बराबर जीरो है तो हम यहाँ से दो इक्वेशन निकाली थी, तीन हमने। पहली चीज़ तो, एक तो वी किसके बराबर हो जाएगा, जी टी के, डायरेक्टली आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं एट द बॉटम, है ना। फिर अपन एच का भी एक और निकाली थी, ये चीज हमारी जीरो हो जाएगी, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो टी हो जाएगा टू एच बाई जी का रूट। ओके, एंड द थर्ड वन, दिस वन विल बी सेम, तो ये हो जाएगा वी इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच। तो ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, तो आज हम सेकेंड केस लेके चलेंगे जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, अब ये वाला जो केस है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर की ओर करेंगे। अब देखो, पहली चीज तो क्लियर है, अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो इसको तो है नहीं कि हम उसको जीरो स्पीड से फेंकेंगे। अगर हम उसको जीरो स्पीड से फेंकेंगे तो मतलब क्या है, वो बॉल ऊपर जाएगी नहीं, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नहीं। तो एक चीज तो क्लियर है कि इसमें यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर जी जीरो हो गया तो ये मोशन ही नहीं होगा, ठीक है। और इस मोशन में अब क्या कह रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की ओर जा रहा है जहाँ यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। लेट्स से ये एच हाइट पे जाता है, पहली चीज। दूसरा, इसमें ए लेना है माइनस का जी। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है कि घटती है, घटती है। और अगर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी स्पेशल केसेस जो होंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बताओ इक्वेशंस क्या बनेंगी, पहली v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, सेकेंड इक्वेशन एस यू टी माइनस, एस की जगह एच आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड विल बी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एंड द फोर्थ वन विल बी एच एन इक्वल्स टू यू माइनस जी बाय टू, यस, एच एन इज इक्वल्स टू यू माइनस जी बाय टू टू एन माइनस वन, क्लियर है। ओके, अब ये तो नॉर्मल हमारी कंडीशन होगी जहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट पर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अगर उसको टी टाइम लगता है, तो ये सारी इक्वेशन हम इसमें फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसमें भी एक स्पेशल केस हम पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में आ जाए आपको ऐसे लिखा हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है, अगर क्वेश्चन में एक केस आ जाए, ये स्पेशल केस हो सकता है ना, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है अब वो क्या हो गई है, मैक्सिमम। इसका क्या मतलब है, आपने किसी चीज को फेंका और वो मैक्सिमम एक हाइट पर गया और वहां जाके वो रुक गया, फिर वापस नीचे आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि जब भी बोल दे आपको कि ऑब्जेक्ट को हमने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा दिया, तो यानी कि ये एच हमारा मैक्स हो गया, इससे ऊपर अब एच नहीं होगा,
और इस पॉइंट पर हमें पता है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ पर वी जीरो हो जाएगा। बस यही सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आता है, एच की जगह एच मैक्स हो जाएगा और वी की जगह जीरो हो जाएगा। अब ये सारी इक्वेशन में आप यही सारी चीज रखोगे तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। पहली इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, पहली इक्वेशन में यू बराबर आ जाएगा जी टी। इस वाले में देखो क्या चेंज आएगा, एच की जगह एच मैक्स हो जाएगा, बाकी सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा बिकॉज वी जीरो हो रहा है। इस वाले की बात करें तो यहाँ यू हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच मैक्स। बात समझ में आ गई, तो बस ये एक स्पेशल कंडीशन है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंडीशन भी पुट कर सकते हो इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर हम बेसिक क्वेश्चंस पे चलेंगे जो हमारे सबके मिक्स होंगे, ठीक है। चलिए एक बार इसको उतार लीजिए। ओके चलो एक क्वेश्चन लिखो, पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ फिर मैं हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है। इफ अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय पार्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय पार्टिकल। G की वैल्यू लेनी है 10, ठीक है। हिंदी में लिखना, अगर किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाए, अगर किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसके द्वारा तय की गई उच्चतम ऊंचाई कितनी होगी। 5 मीटर। तो उसके द्वारा तय की गई उच्चतम ऊंचाई कितनी होगी यदि जी का मान 10 है। जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है। 10 हाँ, 5 मैक्स 5, ठीक है। अब चलिए इस वाले को हटा दूं मैं पेज को, सबने लिख लिया ये वाले पेज पे, कुछ है तो नहीं लिखना, तो लिख लो एक बार। 5 ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरी नहीं है कि आपको जी की वैल्यू 9 पॉइंट लेनी, क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया है कि जी कितना लेना है, 10 लेना है। अब मुझे बताओ क्या क्या यहाँ गिवन है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और ये बोल रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है ना, तो आपसे पूछा वही है, तो वी जीरो हो गया, यू आपको 10 दिया हुआ है और जी भी आपको क्या लेना है, 10 लेना है। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इससे यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g h max। हाँ, तो h max कितना आ गया, ये 2g कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा 100 के नीचे, 100 upon 20, तो आंसर कितना आ गया, 5 meter। तो that means ये 5 meter इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। अब इसी क्वेश्चन में आपसे मैं एक और चीज पूछूंगा, इसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा। सभी को पहले यहां तक समझ में आया, एक सेकेंड आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आपसे पूछा था कि वो कितना ऊपर तक जा सकता है, तो ये मैक्सिमम हाइट की कंडीशन आ गई, उच्चतम ऊंचाई की आ गई, और उच्चतम ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ये वाला यूज कर लें या डायरेक्ट आप इसी में रख दो सारी वैल्यू। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, थर्ड इक्वेशन में देखो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, यू स्क्वायर बराबर 2gh, यहां से हमें h का मान निकालना है। अब जो दूसरा इसका मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं कितना टाइम लगेगा इसको उतनी हाइट पे जाने के लिए। अब देखिए अब इसमें क्या यूज करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी v हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे गया था अभी मैंने बताया था, और हमें u कितना दिया हुआ है, 10 माइनस 10 इंटू टी, तो यहाँ t किसके बराबर आ गया, 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बिना आप इक्वेशन लगाए भी समझ सकते हो। अगर मैं किसी को 10 की स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूँ और अगर जी की वैल्यू 10 है, तो मैंने क्या बोला, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है कि घटती है, घटती है। तो अगर वो नीचे 10 से फेंक रहा हूँ तो जी का मान भी मैं 10 ले रहा हूँ, तो ये 10 के बाद ये रुक जाएगा क्योंकि हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी घटती है, 10 सेकंड। तो अगर 10 से फेंक रहे हैं तो अगली सेकंड इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, दैट मींस ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि 1 सेकंड में इसका मैक्सिमम हाइट पर ये पहुंचेगा। बट मैं फिर रिकमेंड क्या कर रहा हूँ, आप इक्वेशन का यूज़ करें, जस्ट एक आपको समझाने के लिए किया है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं,
यहाँ तक समझ में आ गया? ओके okay. ये हो जाए, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके लेट्स मूव ऑन। स्कोर अप कर दूँ? ओके okay, अगला क्वेश्चन देखो अच्छे से समझना। अगला क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जो टॉप से बॉटम आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ऊपर से नीचे, ठीक है। क्वेश्चन सुनना, फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड सेकंड, पहले सेकंड, दूसरे में सेकंड और तीसरे में सेकंड में जो भी इसने डिस्टेंस तय किया है, जो भी इसने डिस्टेंस तय किया है यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसका रेशियो क्या होगा, यानी कि अनुपात बताना है। पहले एक बार क्वेश्चन वापस समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे की ओर फेंका है, एक सेकंड के बाद जो भी उसने डिस्टेंस तय किया, दूसरेवें सेकंड के बाद जो भी डिस्टेंस तय किया और तीसरेवें सेकंड के बाद जो भी डिस्टेंस तय किया, इन तीनों का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये टाइम कैसा है, एन है कि टी है? एन है, क्योंकि आपको मैंने बोला था जो सेकंड इक्वेशन होती है और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन होती है, फोर्थ इक्वेशन में हम क्या निकालते हैं? एस एन। अब यहाँ पर एच हो जाएगा, एच एन कितना हो जाएगा? यू प्लस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। ये वाली इक्वेशन तब यूज करते हैं जब स्पेसिफिक एक सेकंड का हमें पूछा गया हो। तो यहाँ पर्टिकुलर एक सेकंड की दूरी पूछ रहा है, यहाँ पर दूसरेवें सेकंड की पूछ रहा है, यहाँ पर तीसरेवें की पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, कौन सी यूज करेंगे? फोर्थ वन। अब मुझे बताओ, पहले मैं एन की वैल्यू कितनी ले लूँ? वन ले लूँ। जब मैं एन की वैल्यू वन लूंगा तो एस, तो एच वन हो जाएगा। क्या फॉर्म देखो, अब ऊपर से फेंक रहे हैं तो यू जीरो, फेंक नहीं मतलब छोड़ रहे हैं, फ्री फॉल की कंडीशन है, तो ये जीरो प्लस जी बाई टू, टू एन माइनस वन, टू इंटू वन टू, टू माइनस वन वन, ये आ गया हमारा एच वन। एच वन कितना हो गया? जी बाई टू। सिमिलरली जब मैं एन की वैल्यू टू ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज सेकंड सेकंड पे पूछ रहा है। अब बताओ एच टू कितना होगा? जीरो प्लस जी बाई टू, टू एन, फोर माइनस वन थ्री, और एच थ्री जीरो प्लस जी बाई टू, ये एन की वैल्यू थ्री पे देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बताओ सिक्स माइनस वन फाइव। अब मुझे बताओ एच वन रेशियो एच टू रेशियो एच थ्री, यही तो पूछ रहा है। सिंपल, अगर आप देखोगे जी बाई टू सब में आ रहा है, कट जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा? और ये रेशियो कैसा है? ऑड नंबर का, विषम संख्या का, वन थ्री फाइव सेवन। अगले ही सेकेंड इसका रेशियो क्या हो जाएगा? सेवन, फिर नाइन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आगे जाके मैं आपको थ्योरेटिकल में भी दिखा दूंगा ये क्वेश्चन कैसा दिखता है, बट यही क्वेश्चन है। जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड में जो भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो जब रेशियो लेते हैं तो ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, जी बाई टू, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ वन थ्री और फाइव। सो दिस इज अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम मिक्स क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और ये फाइल में फिर आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जितने हम कर सकते हैं कर लेंगे, जो भी बाकी होंगे वो आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलें, ओके लेट्स मूव ऑन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मिक्स होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आराम से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक कार ए से बी तक इतनी स्पीड से जाती है, फिर वो तथा 30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, यानी कि ए से बी वो कितनी स्पीड से जा रही है? 20। फिर वापस बी से कितनी स्पीड से आ रही है? 30। तो बताओ इसके दौरान उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड कितनी होगी? आराम से सोचो, ये मैंने टॉपिक करवाया था एवरेज स्पीड का टॉपिक, जब एक ही रास्ते पे वापस जाके वापस आना क्या इक्वल होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल जब होता है तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? याद आया? टू वी वन वी टू अपॉन, समझ में आया ना क्या किया यहाँ पर? यस सर। तो ये स्पेशल केस है जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? बराबर। जब आपकी तय की गई दूरी बराबर होती है, उसका पता कैसे चला? क्योंकि एक ही रास्ता है। अगर पहले उसने डी किया था, आते वक्त भी डी किया है, पर दोनों की स्पीड क्या है? अलग है। अब ये फॉर्मूले में वी वन क्या है? 20।
तो V1 हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। कोई बोलेगा सर यूनिट बदलनी है क्या? नहीं बदलनी, क्योंकि देखो आंसर भी किलोमीटर में ही है, ठीक है। दूसरा V2 क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले में रख दो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2V1V2/V1+V2। तो ये 2×20×30/50, 0 से 0 5 4, कितना आ गया? 8×3 24 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या होगा? सही होगा बी। क्लियर है सभी को? Yes, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया सभी को? ये मैंने करवाया था क्लास में, ठीक है। बस आपको यहाँ पर देखना क्या है कि जब एक ही रास्ते से वापस आते हैं तो इसका मतलब वो डी बराबर है, और अगर डी बराबर होता है तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लगाते हैं। क्लियर है? चलें आगे। क्वेश्चन अगर आपको उतारने तो शॉर्ट में उतार लेना, डेटा लिख लेना, अदरवाइज मैं फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार दो स्थानों के बीच की प्रथम आधी दूरी 30 से कर रही है और बची हुई आधी दूरी 50 से कर रही है। लेट्स से देयर इज अ टू पॉइंट्स ए एंड बी, जो उसका हाफ डिस्टेंस है, द कार इज कवरिंग विद द स्पीड ऑफ 30 एंड द रिमेनिंग हाफ विद 50। क्या ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सेम नहीं है? डिस्टेंस अलग सेम ही तो है। मेरी बात सुनना, पहले वाले केस में मैंने बोला था एक ही रास्ते से जा रहा है वापस उसी से आ रहा है, तो डी बराबर। अब इसके अंदर आधा रास्ता और आधा रास्ता, तो अगर पहले समझ लो टोटल 100 किलोमीटर है तो 50 पहले इतने से कर रहा है, 50 फिर उतने से कर रहा है, तो डिस्टेंस सेम नहीं हो गया क्या? बात समझ में आ गया ना? तो ये भी वही केस है बट लैंग्वेज अलग है। तो इसके अंदर भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेम 2V1V2/V1+V2। ये वाला इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, इसीलिए इसके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बट इसके पूछने के तरीके अलग अलग हैं। अब आपको बोलेगा सर इसमें डिस्टेंस कितना ले हम, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस आधा आधा है, ये इंपॉर्टेंट है। आधा आधा का मतलब सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो बताओ फॉर्मूले में V1 क्या है? पहली स्पीड कितनी है? 30×50/80। देन दिस इज 4 1, देन 2 15, पॉइंट मारा है। तो ये आ जाएगा आपका 15×5 कितना हो जाएगा? 5 75/2। 75/2 होता है 37.5, एंड यूनिट इज सेम, सो हमें इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, बट लैंग्वेज अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। क्लियर है सभी को? पहले वाले के अंदर और इस वाले में डिफरेंस समझ में आया? बस इसमें यह है कि उसने आधा डिस्टेंस कर दिया है। ये अगर पूरा डी है तो ये डी बाई टू, ये डी बाई टू, यहाँ से यहाँ का आपको दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 50। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? बराबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, रब कर दूं। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी है, उसमें भी आता है, बिकॉज जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं नॉर्मली मैथ्स रीजनिंग, तो उसमें भी ये टाइम और स्पीड के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, लिखते हैं इसको आप कैसे करते हो। नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला लगेगा बट लॉजिक समझ में आना चाहिए। 150 मीटर एक लंबी ट्रेन है, लॉन्ग ट्रेन है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ब्रिज। अब मेरी बात सुनना, ये ब्रिज वाले क्वेश्चन हो गए, प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन हो गए, इसका लॉजिक क्या होता है? देखिए जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, कि समझ लो ये हमारा ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर से एक ट्रेन जो है वो जा रही है, तो इसमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ट्रेन को अपनी खुद का पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितनी वो ट्रेन लंबी है, प्लस जितना वो ब्रिज लंबा है वो भी करना पड़ेगा। तो इस ट्रेन को कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? अपनी लेंथ की और ब्रिज की लेंथ की, बस यही सबसे बड़ा लॉजिक है। और अगर इसमें मैं प्लेटफॉर्म जोड़ दूं, एक प्लेटफॉर्म को वो पार करता है, प्लेटफॉर्म इतना लंबा है, ट्रेन इतनी लंबी है, तो आपको दोनों डिस्टेंस जोड़ने पड़ेंगे। अब ये वही सेम क्वेश्चन है, मुझे बताओ इस ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा। अच्छा एक बार मैं फिर बता दूं, अगर समझ में किसी को नहीं आ रहा हो तो देखो, ये ब्रिज है, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से जब ये ट्रेन निकलेगी पहले इसको अपना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, फिर इसको पूरे ब्रिज का भी डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तो इसमें दोनों डिस्टेंस जुड़ जाएंगे। अच्छा नॉर्मली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हियर द डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम. तो बताओ यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा एल टी प्लस एल बी बाय एस. कितनी है लेंथ ट्रेन की, 150 प्लस 850 डिवाइड बाय. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यूनिट. ये किस में दिया हुआ है, और बाकी सारी चीजें मीटर में और सेकंड में. दैट मींस हमें कन्वर्ट करना है स्पीड को मीटर पर सेकंड में. क्या करते हैं, 45 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा. क्लियर है, तो हमें सॉल्व करना है, सीधा यहाँ रख देते हैं. अच्छा ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सीधा 1000 कर दूँ. 1000 अपॉन 45 इंटू 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा. सॉल्व कर लो इसको, ऑप्शन नंबर सी. हाँ सिंपल आएगा, 80 आएगा. सॉल्व कर लो, कट जाएगा पूरा ही. समझ में आया ना, तो ये ब्रिज वाले क्वेश्चन प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको बस ध्यान रखना है इसमें ट्रेन की लेंथ और ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ती है. ठीक है, तो इसको टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 सेकेंड. दैट मीन्स उस ब्रिज को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा 80 सेकेंड. क्लियर है, चलो एक बार लिख लो फिर मैं आगे चलता हूँ. है हाँ, मतलब सॉल्यूशन आप एक बार खुद से भी देख लेना. ठीक है, इज इट क्लियर, हटा दूं, चले नेक्स्ट. ये हमारा फोर्थ है, ओके फोर्थ क्वेश्चन. सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे चाहिए सभी से. ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ा है. बताओ ऐसा तो नहीं लग रहा कि नई चीज आ गई है. नहीं, नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, ये पढ़ाया है आपको मैंने. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. अरे सिंपल सी, देखो ना मैंने वो पूछा था ना, स्पीड स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वही होता है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है. याद आया क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बताया था ना. तो हमसे अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है किसका, स्पीड का, सॉरी वेलोसिटी का और स्पीड का. तो वेलोसिटी के नीचे क्या जाएगा, स्पीड जाएगी. तो ये क्या बन जाएगा, रेशियो लेस देन इक्वल्स टू 1. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूनिटी और लेस, यानी कि इकाई अथवा इकाई से कम. बात समझ में आई है, सिंपल सा क्वेश्चन है. मैं फिर बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है. स्पीड या तो वेलोसिटी से हमेशा बड़ी होती है या बराबर होती है. यहाँ तक समझ में आ गया, बट ये ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रेशियो किसका, वेलोसिटी का स्पीड के साथ. तो ऊपर क्या रखेंगे, वेलोसिटी. तो स्पीड को जब मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ एक आ जाएगा, नीचे स्पीड आ जाएगा. तो वेलोसिटी अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1. इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन उल्टा कर दे तो सी होता ना फिर. क्यों करना है उल्टा, क्वेश्चन उल्टा पूछे तो. हाँ पूछे तो फिर आंसर की तेरे क्वेश्चन बढ़ते हैं. हां तो पूछ ले, एग्जाम में वो पूछ ले तो. पर अभी इसके हिसाब से सही दिया है या नहीं, हाँ तो फिर मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा सकते हैं. जो ग्राफ वाले के अंदर मैंने आपको बोला था एक्स और टी होते हैं ऐसे, उसको उल्टा कर देंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा. ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती से किया है, बट वो आपके बेसिक्स चेक करते हैं. बेसिकली यहाँ पर बेसिक्स चेक करते हैं, वेलोसिटी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी के नीचे स्पीड को रख रहे हैं, इसलिए पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा. ठीक है, क्लियर है. तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके फिफ्थ क्वेश्चन, मन में बातें करो, डिस्टर्ब मत करो, खुद का करो. चलो अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी इस चीज के लिए है, क्योंकि इसमें आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको अच्छे से समझना. कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल एट ए टाइम आर गिवन एज एक्स एंड वाई. ये कोऑर्डिनेट्स है, ये हमारे क्या हैं, हिंदी में बोले तो निर्देशांक है, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन है. ये एक्स एक्सिस का है, ये
वाई एक्सिस का है। तो किसी क्षण पर कण की चाल पूछी है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछा है। तो पहली चीज मुझे बताओ ये एक्स मेरा कितना है, 80 स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, 280। बात समझ में आ गई। वाई क्या है, बी टी स्क्वायर। तो इसका अगर मैं एक बार अवकलन करूंगा डिफ्रेंसिएशन तो ये बन जाएगा 2BT। याद है, समझ में आया। अब मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, रूट में स्क्वायर। अच्छा, क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये वी एक्स है और ये वी वाई है, यानी कि ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, घटक है, और ये वाई घटक है। अब मुझे बताओ एवरेज, अगर मुझे टोटल अब निकालना है तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्यों किया, बिकॉज एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। आपको मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये दो मेरे पास कंपोनेंट है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो दोनों का जोड़ कितना होता है, रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब 90 होता है तो हम इतना ही लिखते हैं। अब इसके जगह वैल्यू रख दो, चलो वी एक्स कितना है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट 4 टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और जब रूट से बाहर आएगा तो 2t आ जाएगा और अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि अब यहाँ पर कण के आपको दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, x और y। तो एक बार हमने x को डायरेक्ट नहीं किया है, अगर आप यहाँ पर ये कर देते कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आता, बट हमें क्या निकालनी है, स्पीड, चाल। तो पहले आप इसको चाल में बदलोगे, चाल में बदलने के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन, फिर उसके बाद आपने टोटल क्या निकाल दिया है, वी निकाल दिया, ठीक है। उतार लो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। डन? यस सर। ओके, कर दूं अब? चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है और मुझे इसका आंसर सभी से चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, गतिशील पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे निकलता है, देखो सारी चीजें यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड है। तो ग्राफ से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होता है वी टी का, बीच में वी टी का ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ए, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वी। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ ग्राफ वी टी। तो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमसे क्या पूछा है, स्लोप। तो ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑप्शन सी। अच्छा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या बताता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दूरी या विस्थापन, ठीक है। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, ध्यान रखना बस, इसका आंसर क्या होगा, सी। सबको, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये ऐसे आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। चलिए ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आराम से पढ़ें और जवाब दें। एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय के तृतीय घात के समानुपाती है, इस पिंड का त्वरण का परिमाण क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन बाय बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। तो बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इनमें से टाइम के साथ किस रिलेशन में, कैसे करोगे, रिलेशन लिख दो एक बार, क्या बोल रहा है ये, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी क्यूब, ये दिया हुआ है। क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू के टी क्यूब, के यानी कि कोई भी कांस्टेंट, जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। अब इसका अगर मैं त्वरण निकालूं, क्या निकालूं, एक्सेलरेशन, बताओ क्या आएगा, तो दो बार करना पड़ेगा इसका, तो करो
पहली बार करेंगे तो कितना आएगा 3KT square, दूसरी बार करेंगे तो 6KT. अब 6KT जो है ये किसके बराबर है, a के, है ना. अब ये दोनों तो कांस्टेंट है तो a किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका क्या मतलब है टी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा. कौन सा ऑप्शन सही है, टी समय के साथ बढ़ रहा है. उतार लो. अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया ना क्या किया हमने, रिलेशन को बदल दिया एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन को फिर मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके अगेन मैंने इन दोनों में रिलेशन निकाल दिया. समानुपाती के चिन्ह से हमें पता क्या चलता है, जो चीज़ बढ़ती है तो वो चीज़ भी बढ़ती है, अगर वो घटती है तो ये भी घटती है, अगर इन्वर्सली होता तो उल्टा होता, अगर वो बढ़ेगी तो वो घटेगी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है. क्लियर? यस सर. चलिए ये खुद से प्रैक्टिस कर लेना बाद में, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा फाइल, हटा दूं. यस सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th. ओके, सारे क्वेश्चन इजी हैं, छोटे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है. ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, सो ज़्यादा अपने आपको इंडल्ज नहीं करना है कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन में इतना टाइम ख़राब नहीं करना है, वैसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं. ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए. ऑप्शंस चलिए चेक करते हैं. ओके, चेक कर लेते हैं. चलिए देखो, v हमें दिया हुआ है, इक्वेशन किसकी दी हुई है, vt की. अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो a मिल जाएगा, तो एक बार निकाल देते हैं, तो dv by dt हमारा a होता है, तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d by dt of 20 plus 0.1 t square. तो ये कितना आ गया, 20 तो हट जाएगा, 0 plus 0.1 into 2 into t, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10, तो 0.2t. ठीक है, अब ये हमारा क्या है, a है. अब सुनना, तो ये बोल रहा है कि पिंड गतिशील है, द बॉडी इज अंडर गोइंग यूनिफॉर्म. देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा a है 5 meter per second square, इसका क्या मतलब है, ये t पे डिपेंडेंट नहीं है. अभी मेरी बॉडी अगर t इक्वल्स टू 1 second पे, 2 second पे, 3 second पे, a हमेशा 5 ही रहेगा, बिकॉज ये t पे डिपेंडेंट नहीं है. बट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये t पे डिपेंडेंट है, यानी कि क्या ये यूनिफॉर्म है, सामान्य है, नहीं, क्योंकि ये t पे निर्भर कर रहा है तो ये बदलेगा, इसलिए क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है. एक बार मैं चेक करता हूँ. अच्छा, रिटार्डेशन तो ये है ही नहीं, ना ही एक्सेलरेशन है. अब बचा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा. जीरो तो हो ही नहीं रहे, बात समझ में आ गई. क्यों, वी की इक्वेशन है ना, नहीं, आप इसको छोड़ दो, ए डिपेंड किस पे कर रहा है, तो टी तो कुछ भी हो सकता है ना, तो टी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा. अरे उसको नहीं देखना है, मेरी बात समझ. बात यह है कि टी अगर एक हुआ तो ए की वैल्यू अलग आएगी, टी अगर दो हुआ तो ए की वैल्यू अलग आएगी, तो टी कांस्टेंट कैसे रहा, तो टी हमारा बदल रहा है, तो आंसर क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म. तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है बस. ये ध्यान रखना, जहां पर ए टी के डिपेंडेंट नहीं रहा तो वो हमारा कांस्टेंट है, वो हमारा यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान त्वरण है. क्लियर है? टी स्क्वायर होता, भले टी क्यूब होता, पर वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा. कहाँ पे, किस में, टी स्क्वायर टी होता तो इधर, हाँ, तो फिर हमारा आंसर होता यूनिफॉर्म, फिर 0.2 होता ना सिर्फ, तो 0.2 कांस्टेंट हो गया, अभी टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आंसर हमारा यूनिफॉर्म हो जाएगा. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये कौन सा था नंबर, चलिए 9th. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, एक एक्स टी की इक्वेशन दी गई है,
आपको निकालना है एक्सेलरेशन, दो बार डिफरेंशिएट करना है और क्या है, एक बार करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये तो हो गया जीरो, ये कितना हो गया ए वन, ये हो गया टू ए टू, एक बार अच्छा टी भी आ जाएगा ठीक है, एक बार और करेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ टू ए टू, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया टू, बस ऑप्शन कहाँ पर सही आ रहा है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है? यस सर। चलो उतार लो, अगर वेग पूछता वेलोसिटी पूछता तो एक बार ही करना है ठीक है। अब जैसे इसी इसी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब देखो ये नंबर नहीं, यहाँ पर टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये, इसमें ए भी एक कांस्टेंट है एक नंबर है, टू भी नंबर है, तो ये टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये यूनिफॉर्म है ठीक है, ये बदलेगा नहीं अब टाइम भली कुछ भी हो, क्लियर है? हो गया, चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, अब मोशन की इक्वेशन का क्वेश्चन है, बीस मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर, आ गया ना ब्रेक, मैंने आपको बोला था कीवर्ड ढूंढने, ब्रेक यानी कि रिटार्डेशन, तो पहली चीज तो क्लियर है कि जो हमारा ए है वो माइनस का है, ऑप्शन में माइनस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो ये दो तो ऐसे ही कट जाएंगे, ये तो होने से रहे, हो गया। अब आगे चलते हैं, 10 मीटर दूरी पर चलकर विराम में आ जाते हैं, रुक जाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकेगी, तो इसका मतलब V हो गया जीरो, निकालना क्या है A, यानी कि वही रिटार्डेशन आपको मंदन निकालना है। चलिए बताएं, सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी मोशन की इक्वेशन लगाओगे इसमें, क्या क्या दिया हुआ है, V जीरो हो गया, A आपको निकालना है, U आपको दिया हुआ है, और ये आपको S दिया हुआ है ना, तो मैं इसको वापस लिखता हूँ, पहले से हो रहा था पहले से कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो देखो जो जो दिया हुआ है यहाँ मैं लिख लेता हूँ, तो हमें U दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, यूनिट भी चेक कर लेना, V जीरो हो जाएगा, A आपका माइनस का A हो जाएगा, और S दिया हुआ है 10 मीटर, क्या निकालना है, ए ही निकालना है, ऑप्शन में अब देखा है कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ऑप्शन बी आएगा। अच्छा पहली चीज तो ये कि ए हमारा पहली इक्वेशन से निकल जाएगा, टाइम नहीं दिया हुआ सर, तीसरी से निकलेगा, टाइम कहाँ दिया हुआ है, थर्ड से निकलेगा, ये थर्ड से निकलेगा, वी स्क्वायर, हाँ टाइम नहीं दिया हुआ हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन काम में नहीं ले सकते, सेकंड क्यों नहीं काम लेते, सेकंड में भी टाइम आता है, थर्ड वाले यूज करेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। अब यहाँ देखना माइनस का आंसर आपका माइनस का नहीं आएगा, बट आप कंफ्यूज मत होना कि ऑप्शन में तो माइनस दिए हुए, अब यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये माइनस सिर्फ आपको ये दर्शा रहा है कि ये रिटार्डेशन है, क्या है डीएसएस, हमारा आंसर प्लस में क्यों आएगा, बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं ठीक है, तो आप इसमें मत कंफ्यूज होना, तो ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू ए इंटू 10, तो ये 20 हो गया, तो ए किसके बराबर आ गया 400 बटा 20, आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, वो इसको टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा प्लस में आ रहा है ना, बट ये प्लस में नहीं आ रहा है, बात समझना, ये प्लस में इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ माइनस कर दिया है, और ये हमें अंडरस्टैंडिंग से पता चल रहा है कि ये रिटार्डेशन है ना, तो प्लस का आंसर मत टिक करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है, तो लगभग आई थिंक इसमें 20-25 क्वेश्चन है, तो मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा, आप उसको ट्राई भी कर लेना, जो डाउट हो गए मेरे से पूछ लेना आप ठीक है, चले आगे, वेरी गुड, पहली बार कोई नो बोला, मतलब लिख रहा है, लिख तो हम भी रहे, लिख तो हम भी रहे, तुम वो हाई स्पीड में लिख रहे हो, लाइट की स्पीड में, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगी ऐसी स्पीड में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे क्या समझाएगा, मेरे को तो पता है, खुद को समझाओ, ऑप्शन देख के मैच करो, मेरे को मत बताओ, मेरे को तो पता है, मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूँ कैसे करना है भाई, मेरे से तो नहीं हुआ तू कर दे ठीक है, मैच द आंसर, आपको एक इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक है?
ठीक है। अब देखो यहां पर आपको बोल रहा है प्रारंभिक वेग तथा त्वरण, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। टेल मी, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इनिशियल चीज पूछते हैं दैट मींस टी इक्वल्स टू जीरो, तो बेसिकली ये टी इक्वल टू जीरो पर स्पीड पूछ रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बी आएगा सर, ठीक है बी। चलो चेक कर लेते हैं, बी तो दोनों में आ रहा है, ठीक है चलो इसका एक बार करते हैं, डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, जीरो प्लस बी टू सी टी प्लस माइनस फोर डी टी क्यूब। एक बार और करते हैं, जीरो प्लस जीरो प्लस टू सी माइनस बारह डी टी स्क्वायर, तो बेसिकली ये 2c माइनस 12 dt स्क्वायर हो गया। सर, अब इसमें t का मान जीरो रखो तो ये, अच्छा पहले t का मान जब जीरो इसमें रखेंगे तो v आएगा, यहाँ रखेंगे तो a आएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं t का मान जीरो रखूंगा तो ये भी जीरो, बचा सिर्फ और सिर्फ b, तो यानी कि वेलोसिटी कितनी आ रही है, प्लस की b, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब आ जाओ इसके अंदर, अब इसमें अगर t का मान मैं जीरो रखूंगा तो आंसर आ जाएगा 2c। क्लियर? यस सर। सिंपल क्वेश्चन, बस अगेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियल का मतलब समझना, अगर ये समझ में नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। तो इनिशियल का जब भी मतलब आता है समझ लेना, अभी बॉडी स्टार्ट नहीं हुई है तो अभी टाइम जीरो लेना है, तो जीरो पे हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है और स्पीड भी निकालनी है, क्लियर है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं, कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे फोर्स यानी कि बल, ठीक है। और इसकी फाइल जो है मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, तो उसको आप ट्राई कर लेना, इसमें 10-12 क्वेश्चन अभी और हैं तो आप उससे खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।